नमस्कार, सत्यवेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। बयाना में ट्रेन में यात्रा करते समय यात्री की हुई मौत, पुलिस ने शव का रखवाया मोर्चरी में। सरमथरा में दिनेश मीणा ने प्याऊ का फीता काटकर किया शुभारंभ। समिति बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडा लगाने का भी करेगी काम। सांबर लेक में बस स्टैंड विवादों के घेरे में, स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलता बस स्टैंड। और धौलपुर के सैबों में गांव लेबुड़ा पूरा पहुंचे पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पीड़ितों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। और अब खबरें विस्तार से। सरमथरा में रविवार को कस्बे में सुबह रामधाम आश्रम के महंत कैलाश दास उद्यमी भगवान लाल गर्ग, ठेकेदार बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंध दिनेश मीणा ने करौली रोड स्थित बड़ तिराहे पर पियाऊ का फीता काटकर शुभारंभ किया। महंत कैलाश दास ने बताया कि इस भीषण गर्मी में पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम होता है। वहीं सतीश गर्ग सरमथरा स्टोन वालों और ठेकेदार भगवान लाल गर्ग ने समिति के लिए सहयोग राशि प्रदान करते हुए कहा कि गर्मी की भीषणता को देखते हुए प्यासे राहगीरों को ठंडा जल पिलाना पुण्य का काम होगा। पानी का प्याऊ देकर राहगीरों ने समिति के सदस्य को धन्यवाद दिया। मानव कल्याण जन सेवा समिति के अध्यक्ष के गर्ग ने बताया कि समिति द्वारा आगे भी इसी प्रकार से सामाजिक गतिविधियों को संचालित रखेगी। समिति प्रवक्ता रवि गर्ग ने बताया कि जल्द ही समिति बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडे लगाने का कार्य भी करेगी, ताकि कोई भी पक्षी का इस गर्मी में गला प्यासा न रहे। नांदोती करौली में यहां बीती रात मुख्य बाजार स्थित एक किराने की दुकान के पिछवाड़े का ताला तोड़कर चोर लाखों की नकदी और किराने का सामान चुरा कर ले गए। घटना का पता रविवार तड़के पीड़ित दुकान की पत्नी को चला। पीड़ित दुकानदार ने घटना की जानकारी थाने में दर्ज करवाई। उधर उक्त घटना के विरोध में आक्रोशित दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं चोरों की गिरफ्तारियों की मांग की। नकदी और अन्य सामान बरामदगी की मांग को लेकर उप जिला कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार पंखीलाल मीणा को और पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश चंद को सौंपा। सांबर में जिले के उपखंड मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड का लगभग 1989 में स्थापित होने के बाद भामाशाह स्वर्गीय राम गोपाल टांग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर विश्राम गृह और बुकिंग का निर्माण किया गया था। बस स्टैंड काफी वर्षों से विवादों के घेरे में होने के कारण अपने हालातों पर आंसू बहा रहा है। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी महिलाओं को इधर उधर भटकने के कारण तत्कालीन पालिका पार्षद आनंद प्रकाश वर्मा ने स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत की अनुशंसा पर सुलभ शौचालय निर्माण वास्ते 5 लाख रुपए स्वीकृत के बाद विवादों के कारण निर्माण नहीं हो सका। बस स्टैंड की समस्या के चलते निजात दिलाने के लिए स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत ने भी 9 जून 2014 को राज्य के मुख्यमंत्री तक अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का निजात कोई नहीं निकाल सका। बस स्टैंड परिसर खसरा नंबर 163 अतिक्रमणकारियों और आवारा जानवरों की भीड़ तक चलता जा रहा है। बस स्टैंड पर शौचालय नहीं होने से महिलाएं और पुरुष खुले में शौच कर स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। लगभग 30 वर्षों पूर्व बस स्टैंड का निर्माण किया गया था, मगर तत्कालीन सरकार व वर्तमान सरकार की उदासीनता व विवादों के कारण मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। माननीय यशस्वी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बस स्टैंड पर आपसी विवादों का रूप सुलभ शौचालय नहीं बन पा रहा है। हमारे यहाँ सैकड़ों बसें आती है तथा महिलाएं काफ़ी तादाद में यात्रा करती हैं, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया वो सुलभ शौचालय का जल्द से जल्द निर्माण कराए। धन्यवाद। हम स्वयं भी चाहते हैं कि यह रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाए और हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। और मैं तो स्वयं खुद कहता हूँ
कि जो भी आपत्ति है दोनों समुदाय जो भी हैं उस वर्ग को अपनी प्राथमिकता के आधार में नगर पालिका को प्रस्ताव भेजें कि हम ये चाहते हैं नगर पालिका बिल्कुल पॉजिटिव रूप में हम मिल बैठ करके इस फैसले को भी तो इस जो समस्या है इसको सुलझाना चाहते हैं और जनित के अंदर यहाँ रोडवेज का बस स्टैंड बनना अति आवश्यक है। आज सामर के अंदर जितनी भी एंट्री होती है उसके अंदर ये बस स्टैंड सामर की एक नाक के रूप में है और ये बस स्टैंड बनना अति आवश्यक है और हमारे द्वारा भी विधायक को भी अवगत कराया गया है और भी जो वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन है उनसे मिला जाएगा, सरकार को भी अवगत कराया जाएगा इस समस्या का समाधान शीघ्र रूप से समाधान हो सके। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी जो मुख्यमंत्री है उनको भी पत्र लिखा है उसमें कि इस बस स्टैंड की समस्या का समाधान किया जाए और वो भी प्रयासरत है और आज भी हम स्वयं जाकर के उनसे मिलकर भी आए हैं कि इस समस्या का समाधान होना भी चाहिए, उन्हें आश्वासन भी दिया है और हम इस समस्या के समाधान के लिए और भी प्रयासरत हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है स्थानीय प्रशासन को भी इस समस्या से जागरूक होना चाहिए, इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है और प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है और हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है और मैं सरकार से भी हमारे क्षेत्र के विधायक से भी और भी उनको अवगत कराया जाएगी स्थानीय प्रशासन से सबको मिल बैठ करके समस्या के समाधान का प्रयास करना भी चाहिए। पल पल बदलते देश और दुनिया की हर खबर अब सीधे आपके मोबाइल पर सत्यमेव न्यूज टीवी के जरिए। सत्यमेव न्यूज टीवी को अपने मोबाइल में देखने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें सत्यमेव न्यूज और इंस्टॉल करें भारत का पहला मोबाइल टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, सुबह समाचार में आपका स्वागत है और एहसास कीजिए लाइव बुलेटिन, लाइव शो सहित देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों का अपने मोबाइल पर। कैसा है मेरा विधायक, क्या क्या विकास कार्य हुए, यानी अपने विधायक की कहानी उन्हीं की जुबान। मिलिए अपने विधायक से, जानिए उनके कार्यक्षेत्र की उन्नति की कहानी। हमारे नए कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा विधायक। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अपने विधायक से। अपने विधायक से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए इन नंबरों पर। रतनगढ़ में स्थानीय पुलिस ने लिंक रोड पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। थानाधिकारी रानी दास ने बताया कि आज रात करीब 8 बजे नाकाबंदी के दौरान उप निरीक्षक प्रताप वर्मा ने लिंक रोड पर एक ट्रक को रोका तो उसमें अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। इसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख बताई जा रही है। उक्त शराब अम्बाला से गुजरात ले जा रही थी। ट्रक से कार्टून देर रात तक उतारे जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक आम सिंह राजपूत निवासी फतेहगढ़ जैसलमेर का को गिरफ्तार किया है। देर रात तक कार्रवाई जारी थी। ये अभी तो ये हमारे सब इंस्पेक्टर राम प्रताप वो गश्त में गए हुए थे तो उन्होंने टेलीफोन से बताया है कि कोई शराब के ट्रक पकड़ी है तो उसकी कार्रवाई चल रही है। ये कोई ट्रक पकड़ा है वो हम बताया है कि भाई एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है, अंग्रेजी शराब उसमें भरी हुई है। संपूर्ण कार्रवाई तो उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी शराब इस बारे में बताया है? अम्बाला से गुजरात जा रही थी। सर इसमें कोई गिरफ्तारी भी है इस मामले में? गिरफ्तारी अभी तो कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तार तो करेंगे, जो ट्रक के अंदर है वो तो गिरफ्तार होगा ही। शराब कौन सी है, कितनी की लगभग कीमत होगी सर? शराब अभी शराब तो अंग्रेजी शराब है,
लेकिन पूरी बात तो अभी नहीं बता पाएंगे कौन सी है क्या है। लगभग आंकलन आपने निकाला होगा ट्रक का, ट्रक है अब उसके अंदर कौन सी ब्रांड है, कीमती है कि सस्ती है, वो अभी बता नहीं पाएंगे। पाली के सिरियारी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ में प्रेम पटेल दूधली को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देशानुसार प्रदेश पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रेम पटेल दूधली रोहट को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। युवा कांग्रेस नेता पटेल पार्टी के प्रति सक्रियता और ईमानदारी से पार्टी के कार्यों में सदैव तत्पर रहते हैं। पटेल के इस पद पर नियुक्ति पर संपूर्ण मारवाड़ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पटेल का सचिव बनने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। धौलपुर जिले के सेपाव कस्बे में बीते दिनों तूफान के चलते लेबुड़ापुरा गांव में हुए अग्निकांड को लेकर रविवार दोपहर 2 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने काफिले के साथ गांव लेबुड़ापुरा पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया। वहीं पीड़ितों की लड़कियों की शादी के लिए 11,000 रुपये की सहायता राशि के रूप में प्रदान की और सभी पीड़ितों को 20-20 किलो आटा और वस्त्र वितरण किए। लेबुड़ापुरा में मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आपदा प्रबंधन मंत्री ने अगर समय रहते कार्रवाई की हो तो इस प्रलय में कुछ राहत मिल सकती है। प्रकृति का प्रकोप है, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है सरकार शासन चलाने की, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी को चिंता इस बात की है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, उन्हें चिंता नहीं है भरतपुर धौलपुर के लोगों पर क्या बीत रही है। तो सिर्फ आ जाना, खाना पूर्ति कर लेना, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रशासन, सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो चुके हैं, उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, जनता के पीछे जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन मानवता के आधार पर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को और गुलाब चंद कटारिया जी को आना चाहिए, डेरा जमाना चाहिए, लोगों के रोजमर्रा की जो दिक्कत है उसका समाधान करना चाहिए, वो करें ना करें। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, आज राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी बहुत मदद करी है, वो एक इंसानियत के तौर पर करी है। धौलपुर के सेपऊ में सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह बाजौर और कर्नल जगदेव सिंह शहीद सम्मान यात्रा के दौरान धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे के गाँव तसीमो पहुंचे, जहाँ शहीद समिति पदाधिकारी और ग्रामीणों के साथ अतिथियों ने शहीद स्मारक पहुंच कर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उसके बाद फौजी गार्डन पहुंच कर चेयरमैन बाजार बाजौर द्वारा शहीद छत्तर सिंह परमाल और पंचम सिंह कुशवा के परिजनों को सवाल उड़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरमैन बाजौर ने कहा कि शहीद हमारे पूर्वजों से भी बढ़कर है, जो अपनी जान भी न्यौछावर कर भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से हम यहां शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शहीदों के सम्मान में तसीमो गांव में प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु 1,50,000 रुपए देने की घोषणा की है।
बयाना के गांव कारवारी में रविवार को गुर्जर शहीद स्थल पर आयोजित गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने काफी विचार मंथन और सभी लोगों की राय सुनने के बाद फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन का ऐलान किया है। उनकी इस घोषणा के बाद सभा का पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों और जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने इस बैठक में सरकार पर गुर्जरों के साथ आरक्षण को लेकर राजनीति और वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ही समाज को बार बार आंदोलन के लिए मजबूर करती है। उन्होंने आंदोलन का कोई शौक नहीं है। बयाना उपखंड के नहरा क्षेत्र में गांव अड्डा में 15 मई को समाज की बैठक आयोजित किए जाने का भी ऐलान कर दिया है। सभी लोगों से इस बैठक में सोटा लंगोटा सहित तैयार होकर अधिक से अधिक संख्या में आने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर समाज को सरकार से अपना हक लेना है तो उसे वर्ष 2008, 11 और वर्ष 2015 जैसी सामाजिक एकता, समर्पण और संघर्ष का जज्बा दिखाना होगा, तभी आंदोलन सफल होगा। एक मिनट साहब, इसमें विभिन्न जिलों से लोग आए और खास करके बयाना, हिंडौन और दौसा के लोग आए। ये निर्णय लिया गया है कि यदि हमको 5% आरक्षण नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का निर्णय लिया जा चुका है और अगली 15 मई को मीटिंग अड्डा में होगी जहां फाइनल कर लिया जाएगा। ओबीसी का वर्गीकरण, ओबीसी के वर्गीकरण के बात हो रही है। सरकार अगर चाहती है तो ओबीसी का वर्गीकरण कर दे, अन्यथा 15 तारीख को अड्डा में मीटिंग हो रही है, सब कान खोल कर सुन लो। ठीक, आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा सर? सर आंदोलन का स्वरूप, और सब राजस्थान के गुर्जरों को आमंत्रित करता हूँ 15 मई को अड्डा में पधारे। सर आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा इस बार आंदोलन का स्वरूप? आंदोलन हम बड़ी आंदोलन करेंगे। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे के श्री भगवान महाविद्यालय में बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी की दबंगता का मामला सामने आया है। जी हां, मामला रविवार करीब 3:15 बजे का है, जब शांतिपूर्ण तरीके से चल रही परीक्षा के दौरान करीब दर्जन भर लोग महाविद्यालय आकर पर्यवेक्षक से ये कहने लगे कि हमें डीईओ साहब ने परीक्षा में ड्यूटी के लिए भेजा है, जो पहले से लोग लगे हैं उन्हें हटाओ और हम परीक्षा करवाएंगे। जब पर्यवेक्षक ने मना किया तो थोड़ी देर में जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और पर्यवेक्षक को दबंगता पूर्वक नए लोगों को परीक्षा में लगाने की कहते हैं। पर्यवेक्षक के मना करने पर दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती है। मामले को बढ़ता देख जिला शिक्षा अधिकारी मौके से फरार हो जाते हैं। बजकर 10 मिनट पर ईओ साहब ने किसी व्यक्ति के द्वारा 5 व्यक्तियों को भेजा, न तो कोई सरकारी आदेश था, न सरकारी लेटर पैड पे किसी भी प्रकार का कोई आदेश था। वो एक सिंपल सी पर्ची पे लेके आए, उन्होंने कहा कि हमें अंदर जाने दो और हमें परीक्षा में ड्यूटी के लिए भेजा है डीओ साहब ने, और वो पीछे आ रहे हैं। इस चीज को देखकर हमारे जो ऑब्जर्वर लगे हुए हैं उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस टाइम 3:15 पे आपको अंदर नहीं जाने दूंगा भैया, जब तक कोई सरकारी आदेश नहीं होगा मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ऑब्जर्वर साहब को बहाना लेकर ये पूरा षड्यंत्र डीओ साहब ने रचा है, और हो सकता है कि ये किसी नकल के मामले में भी लिप्त हों। इनका कोई बच्चा था, मुझे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये किस उद्देश्य से आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह से आए हैं 5 व्यक्ति एक साथ, गाड़ी साथ आना, गाड़ी बाद में आई है, 10 मिनट बाद में आई है, लेकिन उससे पहले 5 व्यक्ति गाड़ियों पे आए, जैसे कि किसी सेंटर को ये लूटने आए हैं। मुझे इस तरह का महसूस हुआ। मेरा यही कहना है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर प्रशासन को अगर व्यवस्थाएं चलानी है तो कम से कम 2 दिन पहले कर्मचारियों को लगाना है, और जो कर्मचारी लगाए जाते हैं वो भी टाइम पे नहीं पहुंचते। जितने भी कर्मचारी यहाँ लगाए हैं वो भी कर्मचारी अपने यहाँ उपस्थित नहीं हुए। अपन ने जाने कैसे कैसे करके ये व्यवस्थाएं करा रहे हैं, आपको कहीं संदेह हो
तो आप बाद में भी जांच करा सकते हो और आज भी जांच बिठा सकते हो। अपन को कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, हम प्रशासन के साथ हैं। जनता के क्या है विचार, अब राजस्थान की हर खबर पर रखिए ध्यान। राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर, क्यों मचा है सियासत में घमासान, पूरे दिन राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। राजस्थान हलचल में सिर्फ सत्यमेव न्यूज चैनल पर। पल पल बदलते देश और दुनिया की हर खबर अब सीधे आपके मोबाइल पर सत्यमेव न्यूज टीवी के जरिए। सत्यमेव न्यूज टीवी को अपने मोबाइल में देखने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें सत्यमेव न्यूज और इंस्टॉल करें भारत का पहला मोबाइल टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, सुबह समाचार में आपका स्वागत है। और एहसास कीजिए लाइव बुलेटिन, लाइव शो सहित देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों का अपने मोबाइल पर। कोटपुतली में आज सुबह एक स्कूल बस को हरियाणा रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसे स्कूल बस सवार 20 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के, स्कूल बस के चालक और परिचालक भी साथ में घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को बीडीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती NH-8 पर पावर हाउस के सामने की घटना है। परिचालक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया है। तोरावाटी पब्लिक स्कूल की ये बस थी, पावटा से कोटपुतली आ रहे थे सभी बच्चे। कोटपुतली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। धौलपुर के सेबो थाना क्षेत्र के गांव रंजोरा खुर्द के निकट राजमार्ग 123 पर देर रात बोलेरो गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बोलेरो गाड़ी की टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को लाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के मुताबिक युवक जयपुर की ओर से राजमार्ग से होते हुए भरतपुर की ओर जा रहा था, तभी अचानक रजोरा खुर्द गांव के निकट एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ID प्रूफ नहीं मिलने के कारण मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस के द्वारा छानबीन करने के बाद बाइक का रजिस्ट्रेशन अर्जुन सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी लूदा भाई के नाम से सामने आया है। अभी हमारे अस्पताल में जो है पुलिस एक एक्सीडेंट का केस लेकर आई है, जिसकी शिनाख्त नहीं हुई है और जो जिसको जब लाए तो वो मर था, जिसको हमने अभी जो है मोर्चरी में रखवा दिया है। दरियाबाद में धर्म नगरी में श्री 18,000 दिगंबर जैन समाज दशा हुमड़ महिला महासभा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके तहत नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रावलाबाद से नाशिया जी सदर बाजार बस स्टैंड उदयपुर रोड प्रतापगढ़ रोड होते हुए चंद्र प्रभु जैन मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड बाजे धार्मिक गीतों के सुर में चल रहे थे। सबसे आगे झांसी की रानी बनकर घोड़े पर सवार थी, पीछे महिलाएं बाइक रैली पर चल रही थी। शोभा यात्रा में महिलाएं केसरिया गुलाबी पीली साड़ी और दुपट्टे के साथ साफे पहनकर आकर्षण लग रही थी। शोभा यात्रा में एक घोड़ा 5 झांकियां और एक ट्रैक्टर में आकर्षित सजावट रख रखी थी। नगर में जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया।
बयाना में गोरखपुर निवासी सुभाष खुराना, जिसकी उम्र 65 वर्ष, जिसके परिजनों का अभी तक रेलवे पुलिस ना कोई पता लगा सकी है, ना उन्हें कोई सूचना दी है। जी हां, जीआरपी पुलिस ने मृतक यात्री का शव रविवार रात्रि को बांद्रा गोरखपुर अवध एक्सप्रेस ट्रेन से उतारा था। शव को पहचान के लिए यहां राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मंगलवार को यानी कि कल इस शव का पोस्टमार्टम हो सकेगा।